क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज 12 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। अब ए लीव्स 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड बी लीव्स 2 डेज आफ्टर ए, देन द होल वर्क फॉर लास्ट। पहले तो अपन टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए ए बी सी, ए काम कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में और सी कर सकता है 15 दिन में। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम आ जाएगा कितना 60। ठीक है, 10 6 जा 60, 12 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब अपन से क्वेश्चन में बोला है कि ए लीव्स 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन, मतलब कंप्लीशन के अगर 5 दिन पहले की बात करें, ये कंप्लीशन पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तो 5 दिन पहले यहाँ पे काम कर रहे थे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ए निकल लिया, बचे कौन बी प्लस सी, और फिर 2 दिन के बाद बी भी चला गया, बचा सी अकेला। ठीक है, तो अपन पीछे से स्टार्ट करते हैं, सी ने कितने दिन काम किया, 3 दिन। 3 दिन में उसने कितना काम कर लिया हुआ, 3 दिन की अगर बात करें, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी है 4, सी की एफिशिएंसी है 4 और 3 दिन तक काम किया तो उसने कितना काम कर लिया हुआ, 12 काम। ठीक है, अब बात करें अपन कि 2 दिन बी प्लस सी, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 5 है इसकी 4 है, दोनों की हो जाएगी 9। 9 की एफिशिएंसी से 2 दिन इनने काम किया, टोटल काम कितना कर लिया इनने, 18। मतलब 5 दिनों में, लास्ट के 5 दिनों में कितना काम हुआ होगा, टोटल 30 काम। तो उससे पहले तीनों ने मिलकर कितना काम कर दिया, 30 काम। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो रही, तीनों की टोटल मिला के अगर आप एफिशिएंसी की बात करें तो 15 हो रही, 15। 15 की एफिशिएंसी से तीनों ने कितने में काम कर दिया होगा, 2 दिन में, 2 दिन 2 डेज। मतलब कि पहले उनने 2 दिन काम किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया, बी ने 2 दिन तक काम किया, बी और सी ने, फिर उसके बाद बी भी छोड़कर चला गया, सी ने, अकेले ने 3 दिन काम किया। यही तो क्वेश्चन में बोला था ना अपन से, ए लीव्स 5 डेज बिफोर, मतलब ये 3 दिन और ये 2 दिन, 5 दिन पहले ए चला गया और ए के 2 दिन बाद बी चला गया। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, टोटल डेज पूछा है ना अपन से, 3 ये 2 ये 5 और 2 ये 7 दिन, आसान सी बात थी, कोई दिक्कत इसमें।